नित्या, बहुत खुशी हो रही है। मैं सब जानती हूँ कार्तिक, मैं शूटिंग में आई थी। कार्तिक, कार्तिक, तुम्हें माँ पसंद है या हीरो बनना पसंद है? माँ चाहती थी कि मैं हीरो बनूं। कार्तिक, तुम्हें बहन पसंद है या हीरो बनना पसंद है? दीदी भी चाहती थी कि मैं हीरो बनूं। पसंद हूं या हीरो बनना पसंद है? तुम मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नित्या, हम दोनों कल गांव जाएंगे। नित्या, चले? मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि तुमने फिल्म छोड़ दी, वो भी मेरे लिए नहीं, मेरे जायदाद के लिए। नित्या, पहले तुम मुझसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन अब करते हो क्योंकि तुम्हें मेरी हैसियत का पता चल गया है, इसलिए ये बदलाव आया है ना कार्तिक? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने अपने जिंदगी के लक्ष्य को पैसों के लिए छोड़ दिया। मैं तुम पे भरोसा कैसे कर सकती हूँ कार्तिक? क्यों? अपने गांव में किसी और के बंगले में ठहराया था और मुझसे झूठ बोलकर इतने सारे पैसे वसूले थे? जब 1,00,000 रुपए के लिए तुम इतना गिर सकते हो, तो करोड़ों रुपए की जायदाद अगर सामने हो तो प्यार का नाटक करना, तुम तो वैसे भी एक्टर हो ना? तुम्हारी मेरे पैसों पर नजर है, वो तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कार्तिक। 20 साल उन्होंने मुझे पाला, तो अगर इतना करने के बाद मेरी माँ के मन में लालच आता है तो इसमें गलत क्या है? इसलिए अब मैं अपने घर जा रही हूँ। मेरी माँ जिससे कहेंगी मैं उसी से शादी करूंगी। ठीक है, चलो। कहाँ चलो? तुम्हारे घर, मैं तुम्हें खुद ड्रॉप करता हूँ। चलो। तुमने मुझे बचाने के लिए अपने लक्ष्य को छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारे लक्ष्य को बचाने के लिए मैं अपनी खुशी को छोड़ दूंगी कार्तिक। गुड बाय कार्तिक। अगर नित्या वापस आ गई तो उसके नाम की सारी जायदाद अपने नाम पर हो जाएगी। अगर वो शादी आपके भाई से करेगी मैडम, तो जायदाद भाई के नाम तो हो जाएगी ना। नित्या मेरे भाई के चेहरे से भी नफरत करती है, फिर भी वो शादी के लिए क्यों मान गई? उस लड़के को हीरो बनाने के लिए। अगर वो बड़ा हीरो बन गया
तो वो मेरे भाई को छोड़कर उसके पास नहीं चली जाएगी, क्या गारंटी है? अब आप क्या करने वाली है मैडम? मैं इस लड़के की फिल्म को फाइनेंस ही नहीं करूंगी और वो लड़का इस जन्म में हीरो नहीं बनेगा। आपने जो कुछ कहा वो नित्या ने सुन लिया मैडम। कार्तिक, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकती कार्तिक। मुझसे भी नहीं होगा नित्या। I love you. I love you. I love you. I love you. काट कर फेंक दो। बचाना चाहती हूँ इस औरत को। कार्तिक, मेरी माँ नहीं है। मुझे माँ का प्यार देकर मेरा पालन पोषण किया है इन्होंने। माँ के जैसे मुझे खाना खिलाया करती थी। ऐसा मत करो, इन्हें छोड़ दो कार्तिक, इन्हें छोड़ दो। नित्या, माँ अगर गलती कर दे तो उन्हें माफ कर देना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। नहीं कार्तिक। देखा तुमने, तुमने चाहे जितनी गलतियां की लेकिन ये तुमसे प्यार करती है, यही है सच्चा रिश्ता। तुम्हें नित्या की जायदाद चाहिए और नित्या को तुमसे माँ का प्यार चाहिए। मुझे नित्या चाहिए और बस नित्या ही चाहिए। ये जायदाद तुम ही रख लो। बेटी नित्या, मुझे माफ कर दो बेटा। ऐसी बात मत करो माँ। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। दुख सुख बांटने से ही खुशी मिलती है, ये मुझे अब समझ में आया है। एक्शन। हर एक का वक्त आता है, अब मेरा वक्त है। भले ही लक साथ ना दे लेकिन मेहनत से कोशिश करे तो मेहनत रंग लाती ही है। कटित,
डायरेक्टर साहब शॉट ओके है ना? शॉट ओके। ए मेरा साला कार्तिक मोड के लिए सिर्फ 5 मिनट का टाइम बचा है। सर आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैडम आने वाली हैं। वो आकर स्विच ऑन करेंगे तभी शूटिंग स्टार्ट होगी। कौन है सर वो? अरे कौन है पूछ रहे हो? अरे वो सिर्फ मैडम ही नहीं, लक्ष्मी देवी हैं। मैडम ने पिक्चर के लिए इस पूरे एरिया को खरीद लिया है। हाँ, फिल्म की शूटिंग के लिए। और मैडम हमारे इस फिल्म को फाइनेंस भी कर रही हैं। लाइट कैमरा सब फिक्स कर दिया है। सर, सर, मैडम आ गई। नमस्ते मैडम, आइए कैमरा का स्विच ऑन कीजिए, मैं शूटिंग शुरू करता हूँ। मैंने इस कैमरा को ऑन करने के लिए जो कंडीशन रखी थी वो याद है ना? हाँ याद है मैडम। कार्तिक इधर आ। सर। कार्तिक मैंने बताया था ना, यही है मैडम अपनी फिल्म का हीरो। मैंने बताया था ना मैडम के बारे में, ये वही है। नमस्ते मैडम। मैडम को तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। मैडम ये हाइट, ये कलर, ये फिजिक, एक हीरो में जो जो होना चाहिए वो सब कुछ है। थैंक्स मैडम। लेकिन तुम्हारे सपने को पूरा करने के लिए एक समस्या दूर करनी होगी। समस्या क्या है मैडम? ए बता। सुन, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। तेरे पास जो लड़की है नित्या, उसको तो इज्जत से हमें सौंप दे। तुम्हें हीरो बनना है तो उस लड़की को हमें सौंप दो। अगर तूने ये काम कर दिया तो तेरे इस काम में हम टांग नहीं अड़ाएंगे और तू हीरो बनेगा। ए प्रोड्यूसर बोलो जरा, बेचारा कम उम्र का है, बहुत सोचेगा। आप इसे समझाओ, इसमें सिर्फ इसकी लाइफ ही नहीं आपकी फिल्म भी शामिल है। क्यों भाई, क्यों परेशान करते हो? उस लड़की को मैडम को सौंप दो यार। अरे मान जाओ भाई, नहीं तो इस फिल्म में नहीं रहोगे। मैडम ये मान जाएगा, आप बात कीजिए, आप चलिए सर। अच्छी तरह से सोच ले, तू हीरो बन के गाँव जाना चाहता है या फिर बेइज्जत होके अपने गाँव लौटना चाहता है, डिसाइड कर ले। हीरो बनने के चक्कर में कितने लोग चेन्नई में पागलों की तरह घूम रहे हैं। हीरो बनना इतना आसान नहीं, कोई बच्चों का खेल नहीं है कार्तिक, उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तुम नहीं सुधरोगे इस जन्म में, तो बिल्कुल नहीं सुधरोगे। तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए, मेहनत करोगे तो जो तुम चाहते हो एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। थैंक्स नित्या। चलो कार्तिक। इतना सोच क्या रहा है? तुझे दौड़ा दौड़ा के मारू की पटक पटक के मारू। ओए! किसी और की जायदाद जबरदस्ती हथियाने वाले तेरे जैसे से मुझे बात नहीं करनी। सुनिए, मैं नित्या को आपको नहीं सौंपूंगा, समझ गए ना? नित्या से मैं मोहब्बत करता हूँ, नित्या से मैं जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। नित्या के लिए मैं जान दे सकता हूँ और ले भी सकता हूँ। नहीं मानोगे तो जानते हो ना क्या होगा? क्या होगा? मेहनत करके अपना मकान बनाने की जगह तुम नित्या के जायदाद हड़प रही हो। छी, तुम्हें जो करना है कर लो, नित्या तुम्हें नहीं मिलेगी। हाँ, ए नित्या के अगर आसपास भी भटके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू हीरो बनेगा। भाई हमारे गांव का लड़का चेन्नई में जाकर हीरो बना है, ऐसा अगर लोग कहेंगे तो अच्छा लगेगा ना? जरूर बनेगा। और मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा। और जब तुम हीरो बन जाओगे तो मेरे लिए इससे भी ज्यादा जेवर खरीद देना।
नित्या, 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 आज मैं बहुत खुश हूँ, जानती हो? आज जो शूटिंग हुई है ना, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इतनी अच्छी होगी। हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, यूनिट के सारे लोग मेरी एक्टिंग देख के बहुत खुश हो गए। क्या बताऊं तुम्हें, तुम वहां होते तो बहुत मजा आता। एक सीन बताता हूं। सीन ऐसा था, हीरो हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है, ठीक है ना? तुम हीरोइन, ठीक है ना? मैं हीरो, मैं तुमसे अपने दिल की बात करूंगा, ठीक है ना? ओके। तुम मुझे बहुत पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इतने दिन हम लोग साथ में रहे, लेकिन ये बात मैं तुम्हें बता नहीं पाया। अगर आज नहीं बताता ना, तो जिंदगी भर कभी नहीं बता पाता। तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज खो सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें नहीं खो सकता। I love you. I love you, नित्या। I love you, नित्या। सॉरी, थोड़ा इमोशनल हो गया था। डायरेक्टर सर ने कट बोला और वहां के सभी लोगों ने तालियां बजाई। सब लोग कह रहे थे बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया किया, कमाल कर दिया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर दिया। वो सब लोग तो मेरे फैंस ही बन गए। नित्या, मेरा 20 साल का सपना सच हो गया। नित्या, आज मैं बहुत खुश हूं। नित्या, मैं खुशी बयान नहीं कर पा रहा, मैं बहुत खुश हूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कार्तिक, वो खुशी खुशी के आंसू छलक रहे हैं। हेलो, 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 कौन बोल रहा है? दीदी। ए, भाई, तुम्हारी आवाज में इतनी उदासी क्यों है? क्या हुआ? सपना सच नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए मैं अपने आप को भूल गया। आप लोगों ने बड़ा हीरो बनने के लिए कहा था, लेकिन वो सपना मेरे पास आकर लौट गया। दीदी, कार्तिक, वहाँ क्या क्या हुआ, साफ साफ बताओ। दीदी, मैं हीरो बनने के लिए यहाँ चला आया, ये सोचकर आप सब लोग खुश है, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरे पास कोई भी काम नहीं है। दीदी, अब मैं मेरा चेहरा आप सब लोगों को कैसे दिखाऊं? मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता, मैं हार गया दीदी। बोलो उतरा वेलो। मैडम, वो ओड़ा कांजी पट्टी का लड़का यहाँ है। गुड, उसकी जानकारी के बिना उसे फॉलो करो। ओके मैम। जरूर वो उसके साथ ही होगी। लड़के को मार दो, नित्या को लेकर आओ। सलीम, आइटम लाने के लिए बोला था ना, कहाँ है वो अभी तक? अर्जेंट कॉल है। अरे रुकिए ना, कल सुबह होने तक वो यहाँ होनी चाहिए। प्लीज, अर्जेंट कॉल है। अरे रुक जाओ ना यार, तुम पहले AK-47 भेजो, समझे? बस अर्जेंट। ले यार भाई, थैंक्स। उसको AK-47 से उड़ा दूंगा। हेलो दीदी, मैं हूँ कार्तिक। तुम कैसे हो भैया? दीदी, हैप्पी न्यूज है, मुझे हीरो का चांस मिल गया। सच बोल रहे हो? हाँ दीदी। पापा सुनिए, देखिए मेरा भाई हीरो बन गया। पापा, कार्तिक हीरो बन गया है, बात कीजिए, बात कीजिए ना पापा। नहीं दीदी, पापा मुझसे बात नहीं करेंगे, मैं उन्हें बिना बताए जो चला आया, इसलिए वो मुझसे गुस्सा है। मैं हीरो बनकर जब वापस आऊंगा ना, तब उनके पैर पकड़कर मैं उनसे माफी मांग लूंगा। हे कार्तिक। पापा आप? हे बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाता रहा, लेकिन
तुम्हारे मन के बारे में कभी समझ नहीं पाया। तुम मुझे माफ कर दो बेटा। पापा ऐसी बात मत कीजिए। तुम्हें बड़ा हीरो बनना है और मैं तुम्हें अपने कंधे पर बैठाकर पूरा गांव घुमाऊंगा। मैं खुश हो गया पापा। आपका आशीर्वाद होगा ना तो मैं बहुत बड़ा हीरो बनूंगा। अरुंगम हेलो उठा इसका कार्तिक के पोस्टर को। कार्तिक हे कार्तिक इतने खुश मैं हीरो के कैरेक्टर में सिलेक्ट हो गया। रियली यो कार्तिक ये नीचे उतरो। या कांग्रेट्स कम ऑन। अगर तू ज्यादा आनाकानी करेगी तो सबके सामने तुझे बेइज्जत करूंगा। चुपचाप मेरी बात मान ले, उससे तू भी खुश रहेगी और मैं भी। क्या बोलती है, जल्दी जवाब दे। नींद आ रही है यार। जम्हाई आ रही है। कट 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 कट। क्यों यार, रात भर ये क्या कर रहा था? अभी जम्हाई ले रहा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, रुक जा। सॉरी सर, कल रात में मैं सोया नहीं। कोई बात नहीं सर, आप आधा घंटा रेस्ट कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो प्रॉब्लम। रिया, कल रात तुमने मुझे नहीं सोने दिया, आज मैं तुम्हें नहीं सोने दिया। खराब है, मेरा नसीब खराब है, इसीलिए रात को हीरोइन के साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। सर आप और डिस्कशन। सर 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 सर। अब क्या हुआ सर? हीरोइन का ड्रेस अभी तक नहीं आया। कोई बात नहीं, ये लो दोनों रुमाल अपने पास रखो। ये किस लिए सर? एक ऊपर पहनने के लिए बोलो, एक नीचे पहनने के लिए। सर आप तो छुपे रुस्तम निकले सर। मैं वहाँ बैठकर आधे घंटे तक सीन सोच रहा हूँ, कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्या एक्टर सेथल डायरेक्ट कर रहे हैं? हाँ, पहली फिल्म, हमारे गांव में पहली शूटिंग। हीरो कौन है? कोई नया आर्टिस्ट लग रहा है। नया आर्टिस्ट? हाँ, फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए बहुत दिनों से गया है कार्तिक, पर पता नहीं उसे कोई रोल मिला है कि नहीं, इसीलिए मैंने कहा। कोई भी रोल मेरा भाई नहीं करेगा, वो हीरो है। हीरो में ही सिलेक्ट हुआ होगा। कोई बात नहीं, एक दिन कार्तिक हीरो जरूर बनेगा। लगे। किसी भी तरह से डायरेक्टर को इम्प्रेस करके वो हीरो जरूर बनेगा। ए, खेत में हम मेहनत करते हैं और बरसात से फसल उगती है, तो फिर हम तुझे किस बात का टैक्स दे, ये बता। और क्या डायलॉग था यार? क्या तूने हमारे साथ खेत में मेहनत की, खेत को पानी पिलाया, फसल उगाई, हाँ तो किस बात का टैक्स दे? ए फॉरेनर, हमारे देश में धंधा करने के लिए आकर हमको बेवकूफ बना रहे हो? तुम्हारे जिस्म का हर पुर्जा अलग करके उसके टुकड़े टुकड़े करके कौवों को खिलाकर भारत माता की इज्जत की रक्षा करूंगा। सावधान। सुपर, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया था ना? सर सर सर, मेरी एक्टिंग कैसी लगी सर? ए हाथ खोलो सर के। सर मेरी फिल्म में छोटा कैरेक्टर करोगे? छोटा कैरेक्टर नहीं सर, हीरो बनना चाहता हूँ। हीरो बनोगे? जी हाँ सर। तुम? हाँ सर। इधर आ, आजा आजा। मुझे बांध कर तुझे हीरो बनना है, मैं तुझे बनाता हूँ। अरे भाग रहा है वो, पकड़ो उसे। अरे नालायक कहीं का। पापा क्यों मार रहे हैं इसे? इसने एक फिल्म डायरेक्टर को किडनैप किया था, वो एक अच्छा आदमी था इसलिए इसे कुछ नहीं किया। अगर वो इसे पुलिस स्टेशन ले जाता तो अभी ये जेल के अंदर होता। कार्तिक तुमने ऐसा किया? ऐसी बात नहीं दीदी, मैंने पैसे के लिए उसको किडनैप नहीं किया था, एक्टिंग दिखा के मुझे हीरो का रोल लेना था इसलिए किडनैप किया। एक्टिंग? अभी तक तेरा फिल्मी पागलपन नहीं उतरा क्या? ये पागलपन नहीं है, मेरी जिंदगी का लक्ष्य है, मैं हीरो बन के ही रहूंगा। हाँ हाँ, हीरो बनने के चक्कर में कितने लोग चेन्नई में पागलों की तरह घूम रहे हैं। आपको तो हारने वाले लोग ही दिखाई देते हैं और मुझे जीतने वाले लोग नजर आते हैं। छी, तुम नहीं सुधरोगे इस जन्म में, तो बिल्कुल नहीं सुधरोगे। तुम भी एक दिन देवदास की तरह भटकते फिरोगे, पागलों की तरह, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। सुनो कार्तिक, तुम चिंता मत करो, एक न एक दिन तुम हीरो जरूर बनोगे। कबड्डी 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 कबड्डी। कार्तिक नहा रहा है क्या? तू तो गया।
कार्तिक, 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 ए, ए, क्या हुआ? तुझे फिल्म इंस्टीट्यूट से लेटर आया है। दीदी मुझे फिल्म इंडस्ट्री में सीट मिल गई है। अच्छा, क्या हुआ भाई? एक्टिंग सीखने के लिए 1,00,000 रुपए फीस देनी होगी। 1,00,000 रुपया? फिल्म देखने के लिए पिताजी 30 रुपए नहीं देते, 1,00,000 रुपए क्या देंगे? अब क्या होगा? लगता नहीं इस जन्म में हीरो बन पाऊंगा। ए, देख तू अपना दिल छोटा मत कर, मेरा मन कहता है एक दिन तू बहुत बड़ा स्टार बनेगा। हाँ, चमत्कार हो जाएगा क्या? तू बनाएगा क्या? हेलो, जा। व्हाट वांट्स यू मैडम? उषा का घर जानते हो क्या? उषा क्या? पीटी उषा क्या? नहीं नहीं रे, पीटी उषा नहीं, एसपी उषा ना मैडम। स्टूपिड, इस गांव में सिंगार वेलू की बेटी है ना, उसने मेरे साथ पढ़ाई की थी। क्या, आपके साथ पढ़ी थी? Hey, वो तो अमेरिका चली गई है ना। हाँ ठीक है, बोल देते हैं। मैडम वो तो अमेरिका चली गई। क्या वो अमेरिका चली गई? लेकिन मैं उसे मिलना चाहती हूँ, चाहे पैसा जितना भी लगे। आपको पता है इस गांव में कोई होटल है क्या? होटल? एक मिनट मैडम। मेरे भाई तुझे हीरो बनाने के लिए धनलक्ष्मी मिल गई है। क्या बात कर रहा है? जरा वहाँ देख। सच में लक्ष्मी यार। सच में ये हमारी लक्ष्मी है यार, चाहे जितना पैसा खर्च हो हमारे होटल में रहना चाहिए। हमारे गांव में होटल कहाँ है? गांव के बाहर उषा का बंगला है ना। तो फिर? अरे वो अमेरिका चली गई है अपनी माँ के पास, 1 महीने तक वापस नहीं आएगी, तब तक इसे हम वहाँ पर रख देंगे। सही कह रहा हूँ यार, इसको वहाँ पर रखेंगे, इसके बदले में पैसा लेंगे, है ना बढ़िया आइडिया। आज से गुरु अपने दिन शुरू। इसका मतलब मौके पे चौका मारना ही चाहिए। लेकिन उस बंगले की चाबी? अरे वो सब मैं मैनेज कर लूंगा ना। तू कुछ मत सोच यार, तू बस जैसा बोलता हूँ वैसा कर, इसे पूरा गांव घुमा, गांव के सारे मंदिर, तू इसे पूरा गांव घुमा, मैं तैयारी करता हूँ, समझ ले अपना काम हो गया बॉस। हेलो मैडम, साथ में मैडम, होटल रेडी है, ये है मेरा दोस्त कार्तिक, नमस्ते, ईमानदार है, ये आपको पूरा गांव घुमा देगा। चल रहे, चल चल चल, आइए। देखिए मैडम, हमारे गांव का 5-स्टार होटल। मैडम आइए। स्वागतम सुस्वागतम मैडम का स्वागतम। कैसा गाना गा रहा है? अच्छा तो आरती उतारे। हम तो आरती उतारेंगे मैडम। आप आरती ले लीजिए, चलिए। अरे रुके रुके, क्यों रुकना है? वो आमतौर पे ना आरती लेने के बाद थाली में कुछ पैसे रखने पड़ते हैं। ओह ये बात है। हाँ ओके। ठीक है। चलिए आइए। 18 गांव में यही एक 5-स्टार होटल है, एकदम मस्त है, अंग्रेजों ने बनाया था, अब गवर्नमेंट के पास है। मेरे पिताजी पंचायत बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन ये तो घर जैसा लग रहा है। ये गांव है ना, इसलिए होटल भी घर जैसा लगेगा। हाँ आइए, बेडरूम दिखाता हूँ। कार्तिक, क्या हुआ? मैडम बेडरूम कैसा लगा? बहुत अच्छा है, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या हो गया इसको? जाके रुक रहा हूँ उसे। मैडम, पसंद आने के बाद भी आप जा रही हैं? जाऊँ नहीं तो क्या करूँ, इतने बड़े बंगले में मैं अकेली रहूंगी क्या? यहाँ तो कोई स्टाफ भी नहीं है। स्टाफ? अरे नौकर नहीं, नौकर है। यहाँ सब लोग हैं मैडम, इससे मिलिए ना, ये बटलर है, बटलर है। ये वॉचमैन। तो फिर आप? मैं मैनेजर हूँ। ओके गाइस, मैं बहुत थक गई हूँ, 1 घंटे के बाद गर्मा गर्म कॉफी देना। ठीक है, आप आराम कीजिए। ए प्लीज यार, मुझे हीरो बनाने के लिए। मैं बटलर नहीं बनूंगा, मैं वॉचमैन। कोई रास्ता नहीं था, प्लीज यार। ठीक है, तेरे लिए बन जाएगी। थैंक्स यार, अब बस एक कुक की कमी है। एक है, तीन, चार,
इधर काले। नो, नहीं बे, मैं किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगा, सिर्फ अपने लिए बनाऊंगा। मामा प्लीज, माँ के गुजरने के बाद आप ही घर पे खाना बनाते थे ना? मैं अपने खुशी से बनाता हूँ, नौकरानी नहीं रखी तेरे बाप ने, मुझसे खाना बनवाता ताकि मुझे इतना अच्छा एक्सपीरियंस आप वेस्ट क्यों कर रहे हैं? बस 15 दिन के लिए आप मेरी मदद करो, जब मैं हीरो बनूंगा ना तो आपके लिए बार खोलूंगा। ए, मैं तुझे दारू बेचने वाला लगता हूँ क्या? बेचने के लिए नहीं, बैठ के पीने के लिए। पीने वाला किसी की बात नहीं मानेगा, हर रोज एक क्वार्टर दूंगा। तुम झूठ बोल रहे हो, देने वाला साथ में लाता है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भांजे, आज से मैं तेरा कुक और मैं देकर रहूंगा किक। कार्तिक मैडम, कॉफी 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 कॉफी, क्वार्टर क्वार्टर क्वार्टर। क्या मामा परेशान कर रहे हैं आप? मैडम कॉफी। मैडम कॉफी अच्छी है ना? किक लगी क्या? किक लगा मतलब कॉफी पसंद आई क्या? पसंद आया। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। वेरी मच नहीं, वेरी मच। अच्छा, गेट लॉस्ट। इस लड़की को आपने देखा क्या? अरे जल्दी पत्ते फेंको, कितना टाइम लगाते हो पत्ते फेंकने में? ए, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा भाई, नहीं देखा। मैडम बिल। बिल? एक दिन इस रूम में रुकने के लिए 100 रुपए चलेगा? अरे ये सिर्फ कॉफी का बिल है मैडम। What? एक कप कॉफी के लिए 100 रुपए? हाँ मैडम, नौकर बहुत ज्यादा है ना, और मेंटेनेंस भी सब देखना पड़ता है। मेंटेनेंस? हाँ। ओ मेंटेनेंस। हाँ। अगली बार आना तो रूम का भी बिल लेकर आना। ये 1 रुपया किस लिए दिया मैडम? टिप। टिप है? थैंक यू मैडम। देखो ये इंग्लिश में बात करना छोड़ने के लिए कितने पैसे लोगे? क्यों मैडम, आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? हिंदी सीखनी है मुझे। ठीक है माँ। माँ? मेरा मतलब मैडम, सॉरी मैडम, आपने ही तो मना किया था इंग्लिश बोलने के लिए। जय राम जय जय राम। मैडम मैडम क्या है? मैडम 2 दिन गांव में गजरा फूल कुछ नहीं मिलेगा, हमने सब खरीद लिया है। ये फूल किस लिए? हार बनाने के लिए। ठीक है, अपना अपना हार खुद बनाओ। अरे तो लेट क्यों हो गया? क्या बताऊं, जीजा मुझ पे शक करके मेरा पीछा कर रहा था। यहाँ नहीं है, उसको भूत बंगले में बंद कर दिया है। चाहे कुछ भी करना लेकिन मामा को वहाँ से निकलने मत देना। आहा, आहा? अब देखना, वो बंगले से तो क्या बाथरूम से भी बाहर नहीं आएगा। मत करके चलो देखते हैं उसे। भूत बंगले में आकर फंस गया, बाहर जाने का कोई रास्ता मालूम नहीं पड़ रहा है। मैं यहाँ क्या करने आया था, मेरे साथ क्या हो रहा है, टाइम क्या हुआ वो भी पता नहीं चल रहा। टिकन करी का पता लगाने में बहुत मुश्किल आ गए। हर साल अमावस्या को चंद्रमुखी यहीं आती है, अपनी प्रेमी के साथ वो डांस भी करती है। राजा के खून की प्यासी है, और जब राजा नहीं मिलता तो चंद्रमुखी किसी को भी मार देती है, यही चंद्रमुखी का नियम है। तो हमें नचवाने वाला वो चौथा आदमी भी यहाँ आएगा क्या? हाँ आएगा। हे भगवान, आज की रात चंद्रमुखी को यहाँ मत लाओ, कहीं और भेज दो भगवान। अब तक चंद्रमुखी के हाथों मरने वाला आदमी नहीं आया। क्यों नहीं आया? मैं तो आ गया। ये क्या हुआ,
पैंट के नीचे गीला क्यों हो गया? मैं गलती से आकर यहाँ क्यों फंस गया? नरबलि का वक्त हो गया है। मार दो। भगवान। भाग्या, तुम इधर बैठी हो? हाँ, मेरे पति खेत में पानी डाल रहे हैं। खाना लेकर आई हूँ और उनका इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तुम्हारे भाई के साथ जो नई लड़की घूम रही है वो कौन है? क्या बात है? कार्तिक के दोस्त हैं राजू और हरी, दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। उनकी बातें मैंने अपने कानों से सुनी। उनकी बातों से पता चला कि वो लड़की को बिना बताए पैसों की कोई बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं। और अगर ये बात उस लड़की को पता चल गई तो कार्तिक की बहुत बदनामी होगी। देख लो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और अगर कुछ हो गया तो? कल मैं कार्तिक की शर्ट को धो रही थी, उस वक्त उसकी जेब से एक कागज मिला। उसने नित्या से कितना उधार लिया है वो सब लिख के रखा है। मैंने तुरंत वो कागज नित्या को दिखाया और पूछा कि उसने उधार क्यों दिया है। उसे पढ़ने से पहले वो सोचती थी कि कार्तिक उसे बेवकूफ बना रहा है, मगर इसे देखने के बाद उसे पता चला कि उसने बहुत ईमानदारी से सारा उधार लिखा है। और अब वो जितना भी पैसा मांगेगा मैं उसे खुशी से दे दूंगी। ओ अच्छा, ठीक है, अब मेरे पति आ गए। ठीक है, मैं चलती हूँ। शशि, ये बात मेरे पिताजी को मत बताना। कार्तिक सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी भाई है। थैंक्स। मैम साहब। बोलो कनकराज। आज सुबह कोयम्बटूर के एटीएम से
नित्या ने पैसे निकाले हैं। वो कोयंबटूर क्यों गई है? वहां उसका कौन है? पता नहीं मैडम। अभी तुम सब निकलो, वो पूरा इलाका छान मारो, वो कहीं भी मिले उसे लेकर आओ, जाओ। ठीक है मैडम। गाने आए पुराने गानों के सामने ठीक है। हाँ वो तो है। हमारे गांव में कोई नई फिल्म नहीं आती है, पुरानी फिल्म ही आती है। आप यही रुकना, मैं साइकिल लेके आता हूँ। अरे चलो ना। हे उधर देख भाई, वो तो फिल्म की हीरोइन से भी ज्यादा हॉट लग रही है। फिल्म अच्छी थी ना? कमाल का था यार, मस्त थी, एक नंबर, खूब मजा आया। क्या बेबी, तुम हमारा वेट कर रही हो ना? क्या रे, तू हीरो है क्या? अभी तक बना नहीं, लेकिन बनूंगा। अच्छा, ये हीरोइन है और तू हीरो, सुपर कॉम्बिनेशन। तो फिर विलन कौन है? एक काम करते हैं, मेरा विलन का चेहरा है, थोड़ा सा कोऑपरेट करोगी क्या? एक किस दे दूँ ना? अरे भाई उसका चेहरा भी उधर ही है भाई। अरे देखते हैं ना यार, किस दे दूँ ना? अरे दे दूँ ना? अरे छोड़ दे, अरे चल। ए, छोटी छोटी बातों पे क्यों भड़कता है तू? सुनो, नित्या हम लोगों के साथ रहने आई है, वो हमारी मेहमान है और उसकी पूरी तरह से हिफाजत करना हमारा फर्ज है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगा। अरे भाग्यवान, चिकन कड़ी बना रही हो, इतनी अच्छी खुशबू है, खाने में बहुत मजा आएगा। चार पैक तो लगा ही लूंगा, पीने में मजा आएगा। मैं भी लेकर आता हूँ। ये लो। थैंक्स दीदी। जीजा जी के आने से पहले तू लेकर जा। मेरी जानकारी के बिना यहाँ इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे पकड़ना पड़ेगा, इस चिकन करी का सीक्रेट पता लगाना पड़ेगा। ये भूत बंगला में क्यों लेकर जा रहा है? तो
तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। दरवाजा खोल। अब कर मेरा पीछा। दरवाजा खोल है। अरे दरवाजा खोल। हमारे जिले का ये सबसे बड़ा मंदिर है। Really? हाँ, ये जो मंदिर है ना वो 1991 में गजनी मोहम्मद ने बनवाया। गजनी मोहम्मद? अरे बाप रे, गजनी मोहम्मद बोल के मैंने गलती तो नहीं की? सुनिए 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 सुनिए, सॉरी, गजनी मोहम्मद नहीं, वो चोल राजवंश के राजा ने, और यहाँ का नवाब वो इन्वॉल्व था। ये शिवालय बनाने वाला वही है कैरेक्टर। हाँ? कॉन्ट्रैक्टर। आई सी, लगता है आप हिस्ट्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। या कौन ये पागल? हाँ? अरे बेटी, इस निकम्मे लड़के को बेकार चीजों के अलावा कुछ भी पता नहीं है। हाँ? क्या रे, सबको बेवकूफ बनाता है, हनुमान मंदिर को शिव मंदिर बताता है। इससे पहले कभी तुम मंदिर आए हो? और तुम्हें पता है भगवान किसे कहते हैं नास्तिक कहीं का? सुनिए, शिव जी क्या और राम जी क्या, सबका मालिक एक, गॉड इज वन, हरि और शिव एक है, ये ना जानने वाले लोग पागल होते हैं। अरे चुप है पागल, सुनो बेटी, ये ऐसा आदमी है ना, महाभारत शाहरुख खान ने लिखी है कहेगा, और रामायण सलमान खान ने लिखी है कहेगा, और यकीन भी दिला देगा। ये यकीन क्या करवाना है, उन्होंने ही लिखा है। हे राम, ये सुनने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया मेरे प्रभु? सुनो बेटी, और पता है ये आरडीएक्स बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। क्या है, लड़की देखी तो उड़ने लगे क्या? विष्णु रूपाय शिव, शिव रूपाय विष्णु, ये बात आप जानते नहीं है क्या? इसका मतलब आपको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में समझाता हूँ। अगर आप जानते हो तो बताइए। विष्णु रूपाय शिव, शिव रूपाय विष्णु, अर्थात विष्णु जी ने शिव जी को एक रुपया दिया, वही रुपया शिव जी ने विष्णु जी को वापस दिया, ऐसे एक्सचेंज करते रहते ना विष्णु जी और शिव जी। पंडित जी, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा। चल निकाल। नित्या ये गुड़िया ले ले क्या? आप है तो इसकी क्या जरूरत? ओए, इस लड़की को कहीं देखा है क्या? हमने नहीं देखा भाई। हे जायंट व्हील। ए नित्या, क्या हुआ भाई? इस झूले में मुझे झूलना है। हम क्या त्योहार में मस्ती करने के लिए यहाँ आए हैं? नहीं भाई, अगर हम ऊपर रहेंगे तो वो लड़की नीचे हमें दिखाई देगी। क्या बात है नित्या, सर दर्द हो रहा है? अरे चलो ना भाई, भाई चलो ना। अरे अरे, अरे नहीं, नहीं, नहीं भाई, चलो ना भाई, मुझे बहुत डर लगता है। अरे चलो ना भाई, चलो ना। नित्या डरो मत, मैं हूँ ना। चलो आराम से उठो, कुछ दवा ले ले क्या? अरे कुछ नहीं होगा भाई, चलो ना जल्दी, चलो मजा आएगा भाई, और सब कुछ दिखाई भी देगा वहाँ से। आराम से बैठो भाई, अभी देखना क्या सड़क सड़क घूमेंगे। चलाना भाई को डर लगता है। ऊपर नीचे, ये मजा आ रहा भाई। नित्या यही बैठो, कहीं मत जाना, मैं पानी लेके आता हूँ। बहुत मजा आ रहा भाई, बहुत मजा आ रहा। अरे अरे भाई डरो मत, मैं हूँ ना मैं। अरे वो देख, वो देख, वो, अरे ये तो वही लड़की है। ये रुको भाई, आराम से कूद, जल्दी पकड़ो उसे। चलो सुनो, यहाँ वो लड़की बैठी थी ना, वो नहीं। नित्या यही पर तो थी, कहाँ चली गई? ए उधर देखो, तुम उधर देखो। हाँ हाँ भाई। मैं इस गांव में हूँ, ये बात उन्हें कैसे पता चली? तुम लोग हाँ?
तुम यहाँ आकर बैठी हो और मैं मेले में तुम्हें ढूंढ रहा था। कितना डर गया था जानती हो? कौन थे वो लोग? उन लोगों की गाड़ी खराब हो गई है इसलिए वो आज रात को यही रुकेंगे। अनजान लोगों को तुमने क्यों रुकने दिया? वो लोग अनजान नहीं है, तुम सो जाओ। कार्तिक ठीक है, तुम्हें डर लगता है तो मैं बाहर सोता हूँ, तुम अंदर सो जाना, ठीक है ना? ए, चल 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 मेरे साथ, रास्ती शहर पट्टी के भाई के साथ चल। प्लीज छोड़ो मुझे। चुप चाप चल चल। अगर मैं यहाँ रही तो कार्तिक की जान को खतरा हो सकता है, मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए।